आज मैं आपके सामने रेंटल प्रॉपर्टी को कि किस तरह अपन एनालाइज करते हैं कि हमें ये कॉन्डो या ये प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉन्डो है, ये फॉर सेल है $100,000 का मार्केट में, तो हमें उसी उस कॉन्डो को अपन देखते हैं कि ये हमारे लिए डील कैसी है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें देखना है कि हमें जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करते हैं या कॉन्डो बाय करते हैं तो हमें 20% डाउन डालना पड़ता है। तो हम 1,00,000 के कॉन्डो पे हमने 20,000 रुपया डाउन डाला, ठीक है, और हमने 80,000 की मॉर्गेज हमने वो कराई, फाइनेंस कराई बैंक से। तो अभी हमारा जो रेंटल इनकम है उस इलाके में, अपन एग्जांपल लेते हैं कि $1,000 वहाँ पे रेंट चल रहा है उस इलाके में, तो हमारी रेंटल इनकम हो गई 1,000 रुपये। कभी कभी क्या होता है उसमें लॉन्ड्री भी लगी होती है या स्टोरेज भी होता है, उसका लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो $1,000 मंथली है, एवरी मंथ। और इसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे जो खर्चे होते हैं, वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, इंश्योरेंस होता है, कॉन्डो का इंश्योरेंस कम होता है ओनर के ऊपर, क्योंकि कॉन्डो का एक अपना इंश्योरेंस भी होता है बिल्डिंग का, तो कॉन्डो की इंश्योरेंस फीस अपन एक अप्रोक्सीमेट फिगर लेते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स महीने का $60 है, इंश्योरेंस हमें महीने का $25 पे करना पड़ रहा है, कॉन्डो फी हमें जो है $300 महीने की पे करनी पड़ रही है, जिसके अंदर वाटर और समझ हीटिंग वगैरह शामिल है, और हमारी जो मंथली मॉर्गेज आ रही है तकरीबन 80,000 के ऊपर, जो आजकल ये रेट चल रहा है 2.5 जो इधर अल्बर्टा के अंदर चल रहा है, तो उसके हिसाब से 315 के करीब आती है। हम दो एक्सपेंस और भी लगाते हैं, एक तो होता है वैकेंसी रेट। वैकेंसी रेट क्या होता है कि सपोज करें हमें हर महीने कुछ मनी अपने लिए बैंक में अलग से रखनी है कि किसी साल में कोई महीने में हमारा कॉन्डो रेंट पे नहीं जाता है तो हम कम से कम वो मनी को यूज़ कर सकें मॉर्गेज पेमेंट के लिए, कॉन्डो फी पे करने के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे वैकेंसी रेट कहते हैं। वो अमूमन 5% रखी जाती है। और सेकंड ये होता है कि जब कोई कॉन्डो हमारा खाली करता है रेंटर 2 साल के बाद या साल के बाद, तो हमें उसको रंग कराना पड़ता है ताकि नए रेंटर को हम अच्छा लुक दें। तो 5% जो है ना उसको रिपेयर कॉस्ट बोलते हैं, या छोटी मोटी कोई टूट फूट हो गई तो उसके लिए रखते हैं। और बाकी और भी खर्चे हैं जो अपन इसमें कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए कि अभी अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। अभी ये जो प्रॉपर्टी 1,00,000 की हो, चाहे 2,00,000 की हो, चाहे 3,00,000 की हो, यानी जो उसका फार्मूला जो है वो यही अप्लाई होता है जो मैं आपको यानी 1,00,000 की प्रॉपर्टी पर बता रहा हूँ। तो आप एग्जांपल लें कि आपका खर्चा निकाल के तकरीबन $800 खर्चा आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रेंटल इनकम जो है वो 1,000 रुपये है, आपका जो खर्चा है वो तकरीबन 800 रुपये है। तो कैश फ्लो कहते हैं, यानी कैश बचत होती है हर महीने आपको, जो $200 आपके जेब में आते हैं। अभी $200 ये हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें इस बात पे मतलब कर सोचना है कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैश ऑन कैश रिटर्न। यानी कैश ऑन कैश रिटर्न ये है कि आपने 20,000 रुपये डाउन डाला है, 2,000 रुपये आप समझे क्लोजिंग कॉस्ट उसकी हुई, लॉयर की फीस हुई और इंस्पेक्शन वगैरह हुआ, तो आपने 22,000 रुपये आपने डाउन डाला है और आपको कैश बचत हो रही है $200 महीना, तो ये तकरीबन साल की हो गई 2,400 रुपये, राइट।
2400 रुपये को अगर हम 22,000 रुपये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके साथ अगर डिवाइड करेंगे ना तो ये तकरीबन 11% आती है। तो हमें ये देखना है कि 11% हम हमारे 22,000 रुपये अगर बैंक में पड़े होते हैं तो उस पर आजकल जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको हार्डली 2% या 1.5% मिलता होगा। तो उसको अगर कंपेयर किया जाए कि 22,000 रुपये आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी में लगा है और आपको 11% आपका कैश ऑन कैश रिटर्न मिल रहा है, सो ये हमारे लिए कितना अच्छा है, राइट। और चौथा स्टेप ये है, हमें ये देखना है कि अगर यही कॉन्डो हम 10 साल के बाद बेचते हैं तो हमें हमें इसका कितना फायदा होगा, समझे ना। उसको यानी इंग्लिश में कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी टोटल हमें 10 साल के इन्वेस्टमेंट पे कितना फायदा हुआ, राइट। तो अभी क्या होता है कि अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर्टी के जो दाम है वो तकरीबन 3-5% कनाडा में बोलते हैं कि दाम बढ़ते हैं, और कभी कभी बूम आ जाता है, ऑयल का बूम आया था अल्बर्टा में 2007 में तो प्राइस शूट अप हो गए। आजकल इंटरेस्ट रेट कम है तो तकरीबन 10% प्रॉपर्टी के दाम ज़्यादा हो गए हैं। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली अपन रफ फिगर लेते हैं कि एप्रिसिएशन जो होता है हमारे प्रॉपर्टी का 5% होता है, सपोज को अपन ज़्यादा नहीं काउंट करते। और इक्विटी बिल्ट अप होती है, यानी आपकी जो मॉर्गेज पेमेंट जा रही होती है $315, इसमें आपका इंटरेस्ट भी जा रहा होता है और आपकी जो रकम आपने ली है ये 80,000 उसमें भी आपकी रकम जमा हो रही होती है। तो तीसरा ये कि जब आप या कनाडा में या अल्बर्टा कहीं भी जब आप रिटर्न फाइल करते हो और टैक्स रिटर्न, तो बहुत सारे खर्चे आप अपने टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो है ये तीन चीज़ें अपने को फ़ायदा होती हैं जब अपन 10 साल प्रॉपर्टी को होल्ड अप करते हैं या बेचते हैं। तो अपन अगर अप्रोक्सीमेटली अगर मैंने फिर कैलकुलेटर में डाल के उसकी फिगर लगाई कि अगर यही हो 5% रेट बढ़े तो अपना जो रेट ऑफ रिटर्न जो होते हैं ना वो तकरीबन अगर देखा जाए तो 22% से भी ऊपर आता है। तो ये अभी हमारा डिसीशन है और ये हमको सोचना है कि आया हम ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें 22,000 रुपये या हम कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट करें। तो रेंटल प्रॉपर्टी का यही फार्मूला है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मोस्टली जो कनाडा और USA में लोग कहते हैं कि आपकी रेंटल प्रॉपर्टी का जो रेंट है ना वो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 1% होना चाहिए। 1% से मुराद है कि आपने 1,00,000 की प्रॉपर्टी अगर ली है तो आपका 1,000 रुपये रेंट हो, तो अगर अपन उसको कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली जो है 11-12% आपका वो आता है। तो एक तो ये फार्मूला है कि आपका जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है आपका जो उस इलाके में रेंट चल रहा है वो कम से कम 1% हो, यानी 1,00,000 की प्रॉपर्टी है तो 1,000 रुपया रेंट हो, एक तो ये चीज़। सेकंड और फार्मूला भी है इनका, वो ये कहते हैं कि अगर ये सारे खर्चे मॉर्गेज के अलावा ये मॉर्गेज हम नहीं डालें तो यानी अप्रोक्सीमेटली 50% होना चाहिए। तो एक ये भी फार्मूला लोग यूज़ करते हैं जब रेंटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिपेंड करता है कि आप का उस इलाके में वैल्यू कितनी बढ़ती है, उस इलाके में रेंट कितना है, प्राइस कितनी है कॉन्डो की, और अगर कॉन्डो नहीं है तो आपका हाउस हो, सपोज करो 300,000 का आपका हाउस है तो आपकी मॉर्गेज आपकी कॉन्डो फीस नहीं होगी लेकिन मॉर्गेज थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन फार्मूला यही होगा तकरीबन कि आपको आखिरी में जितना आपने कैश इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलता है। तो थैंक यू, और मेरा नाम रहीम अब्दुल है और मैं यानी एडमिंटन अल्बर्टा में रियल्टर हूँ और मैं जो है रीमैक्स एक्सीलेंस के लिए काम करता हूँ। और कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी मशवरा करना हो,
कोई भी राय लेनी हो आपके नज़र में, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप चाहते हैं कि पता नहीं मुझे इसमें फ़ायदा होगा नहीं होगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूं, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन है 780-709-2703। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 780-709-2703। थैंक यू वेरी मच।